मैं कल गांव चला जाऊंगा यार, चला जाऊंगा। कैसे जाएगा बच्चू? उस कोमल कमल नैनी को ज्वेलरी के साथ यहाँ भगा कर लाया है तू, उसके बिना वापस कैसे जाएगा? बुजी भाई, तुम्हारी कोमल तो बहुत पावरफुल है यार, उसने ऐसा श्राप दिया कि सुनैना ने तुम्हें साफ कर दिया। इसे चैट करना शुरू किया तो पनौती मेरे पीछे ही लग गई है। It's okay. चीफ्स बड़ा यार, मैंने थोड़ा बहुत तो प्यार किया है ना, उसी के लिए तो गांव छोड़कर भागकर यहाँ आया। तो उसने ब्रेकअप किया तो दर्द क्यों नहीं हो रहा? उसने स्वाति के सामने ब्रेकअप किया और मैं स्वाति के सामने उल्लू बन गया यार। मुझे लव फेलियर की फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब मुझ में दिल नहीं है क्या? हाँ? या मेरा दिल पत्थर का बन चुका है? तुझे सिर्फ लव फेलियर की फीलिंग चाहिए ना? ए, एक पटियाला पैक बना। बस 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 बस, अब इसे पकड़, आंखें बंद कर, गले से उतार ले और दिल से अपनी सुनैना को याद कर ले, दिल से, आंखों से, खून से, यहाँ तक कि नसों से, तब तेरी लव फेलियर वाली फीलिंग बाहर आएगी। कम ऑन, यू कैन डू इट। मतलब आंखें बंद करके गले से उतर कर दिल से सुनैना को याद किया यार। हाँ। लेकिन मुझे तो स्वाति क्यों दिखाई दे रही है यार? What are you talking यार? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुना, एक और बार ट्राई कर, तू एक और पटियाला बना जल्दी। कांग्रेचुलेशन भाई, तू लव फेलियर की फीलिंग में पास हो गया, क्या बात है। ए, स्वाति का फोन। हेलो श्रीनू जी। हाय, आर यू ओके? या आई एम ओके। यूं ही कॉल करके पूछने का मन किया, अगर अपना कोई तकलीफ में हो तो उसकी चिंता होती है। आर यू श्योर यू ओके? या आई एम ओके, थैंक यू, बाय। स्वामी नायडू जी, गांव के सामने हमारी इज्जत मत उतारिए। चले जाओ कोटेश्वर राव, बहुत बोल चुके हो तुम। तेरा बेटा तेरी इज्जत पहले ही उतार चुका है, अब उतारने के लिए बचा ही क्या है, है? हेलो आंटी। बुरा मत मानना बेटा, इस बार पैसा नहीं मिलेगा। वैसे आंटी, आप जो पैसा देती हैं वो हर बार गांव से ही आता है ना? इस बार गांव से पैसे नहीं आए, गांव में उनके हालात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। कर्जे की वजह से घर द्वार बेचने की नौबत आ चुकी है, ऐसा पता चला है। अब तुम जा सकते हो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, उसकी माँ को कुछ करना पड़ेगा। बॉबी भाई, क्या है रे, यूट्यूब पे अपलोड कर दो क्या? जरा दिखा दो। अबे क्या फालतू दिखा रहा है? छी, क्या है रे, बेकार है, ऐसे रखेगा तो कोई देखेगा। एक काम कर, इतने लंबे किसी के हो सकते हैं क्या? एक मिनट में लाखों लाइक्स मिलेंगे। भाई सब्जेक्ट ही चोटी के बारे में है। अबे भूत नहीं के, मैं भी चोटी की बात कर रहा हूँ, देखकर पता चलता है ना। सुन बॉबी, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। जल्दी फिनिश। नमस्ते मैडम। ओके, एक्चुअली आपसे थोड़ा पर्सनल बात करनी है। बोलिए। थोड़ा पर्सनल बात करनी है मैडम। ओ रंगास्वामी, आप जरा बाहर जाइए। ओके, वहां खाके आइए। सिर्फ 5 मिनट। हाँ, तो कहिए क्या बात है। कुछ नहीं मैडम, मुझे सीसी रोड कॉन्ट्रैक्ट सैंक्शन हुआ है, आपको पता ही होगा ना। तो वो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, रेती, सीमेंट, पत्थर, आयन, बहुत सारा खर्चा हो जाएगा मैडम, ऊपर से महंगाई मार रही है। अगर आपकी मदद हो जाए, कुछ नहीं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में छोटे छोटे वेरियंट्स, बस बस बस, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब मैं जुगाड़ कर लूंगा। कितना दे सकते हो? 25 लाख तो दे सकता हूँ मैडम। कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है कह रहे हो, तो सिर्फ 25 लाख दोगे? मैडम उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, बहुत से भूखे लोगों को भी खिलाना है, 25 में मार्डबली करते हैं। ओके, कुछ लाए हो? लेकर आया हूँ मैडम, 2 लाख एडवांस। भाई भाई क्या हुआ, काम हो गया ना? क्यों रे, ली क्या? तू जानता है क्या है मेरे बारे में?
जो मुंह उठा के चला आया। अब खाती होंगी सोचा। अगर यहाँ आसपास भी नजर आया ना, नहीं होगा। अब क्या करेगा? पुनकल्टी। ए रुक, ये पैसे उठा। थैंक यू मैडम। रुक जा, अपनी जेब में नहीं बॉक्स में डाल। मैडम व्हाट नॉनसेंस, आर यू सीरियस? 2 लाख फॉर फाउंडेशन? डाल इसमें। आप बहुत डेंजर है, चल भाग। क्या है ब्रो, क्या गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसे भी होते हैं ब्रो? वो तो गांधीवादी निकली। ठीक है छोड़ दे। और मेरे 2 लाख? पेटीएम करता हूँ यार, रख। ये प्लान भी काम में नहीं आया। 24 घंटे इस फेसबुक पे लगे रहते हैं, उसके बाद भी काम नहीं बन रहा है। उस बॉबी का आइडिया भी काम नहीं आया। हे, लोकेशन टैग किया यार, ये तो अपने आसपास ही है। यानी मायापुरी, लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश और मूलचंद, ये सब 10 किलोमीटर के अंदर ही है। Yeah, exactly. हे, तू ठीक है ना? आई एम ओके यार, लगता है खूब शॉपिंग की है। तुम पहले ही बता देती तो हम दोनों मिलकर शॉपिंग करने जाते। पता है 50% का डिस्काउंट मिला है मुझे। हे, मैं यहाँ हूँ, तुझे कैसे पता चला? मैंने तो नहीं बताया, फेसबुक पर लोकेशन टैग जो किया है। मैं दिल्ली में हूँ, घर वालों को ये बात पता चल गई, और उस बुज्जी को भी। ये ड्रेस कैसा है मेरा? अरे रुक जाओ, मुझे लोकेशन टैग डिलीट करना होगा। मेरा ड्रेस तो देखो, ऑफर में मिला है, पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं। खराब कर दिया पूरा। अरे डिलीट कर दिया यार। क्या है ये, इस तरह की बातें क्यों कर रही है तू? मेरी लोकेशन बुज्जी ने देखी होगी क्या? इतना ही डरती हो तो उसे अनफ्रेंड करके ब्लॉक कर सकती हो। अगर मैं ब्लॉक कर दूंगी तो मुझे उसके बारे में पता कैसे चलेगा, और पता नहीं चला तो उसकी हरकतों के बारे में कैसे जानूंगी? उसकी वजह से मेरी टेंशन बढ़ रही है। टेंशन होती है तो पिंपल्स निकलते हैं। देख निकले क्या? अब तो मुझे और संभल के रहना है। छी छी, वो कमल नैनी यही दिल्ली में है, ये जानते हुए भी हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्या मुसीबत है यार। पर यार हमें ये भी तो नहीं पता वो दिखती कैसी है, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? चीयर्स। हेलो यार, शादी का खाना कब खिलाएगा? सत्या? हाँ। मेरा नंबर किसने दिया? कसम खाकर कहता हूँ बुज्जी का नंबर किसी को नहीं दूंगा। सुनो, राजू भी पास में है, तुमसे बात करना चाहता है। लादी, ए, भाई कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई, चामुंडा देवी की बेटी कमल है ना, मस्त दिखती है। फोन पर बात कर यार, डायरेक्टली नहीं। सत्या को फोन दे। हाँ बोल। नंबर किसी से भी शेयर मत करना। और इतने दिनों से काम मर गया था तू? मतलब वो क्या है कि ठीक है। और वो कोमल? चामुंडा देवी की बेटी है यार। वही, उसकी फोटो चाहिए, भेज। ए, फोटो की क्या जरूरत है यार, सेल्फी भेजूंगा, आजकल यही चल रहा है समझा। अरे यार परेशान किए बिना जो बोल रहा हूँ वो करना, पासपोर्ट साइज फोटो भी चलेगा। मतलब तुझे कोमल का पासपोर्ट चाहिए बस ना? बस। ठीक है मैं देख लेता हूँ, लेकिन संभल कर फोन रख यार। इतने पैसे क्या करेगी, 50 रुपए दे दो उसको। ये लो, काम समझ में आ गया ना? ये काम तो चुटकी बजा के कर देंगे। ठीक है चल जा। चुटकी बजा के कर देगी। ऐसा ना हो पासपोर्ट की जगह कहीं वो राशन कार्ड लेकर ना आ जाए। ए, मैंने उसे सब कुछ क्लियर बता दिया है। क्लियरली दिखा गई। क्या बात है, कितनी वफादार काम वाली है, हर घर में ऐसी काम वाली होनी चाहिए। वाकई में वफादार निकली यार। 50 रुपए और देता तो हो ही जाता। जो देना है दे दे इसे। एक मिनट रुको। गुड बाय। कब तक घूरोगे सर, जल्दी से मारो ना हमें। इसकी ख्वाहिश पूरी कर दो तुम लोग। चलो उठो तुम दोनों। मेरी भांजी का पासपोर्ट क्यों मंगवा रहे थे? कौन सी भांजी सर? बुज्जी ने मांगा सर। मतलब बुज्जी का नंबर तुम लोगों के पास है? नहीं सर। धरती माँ की कसम खाकर बोलता हूँ। चुपचाप बुज्जी से मेरी बात करा। सो ही विल एक्सप्लेन दैट टू यू। एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल सर। एनीथिंग इम्पोर्टेंट? एक्सक्यूज मी सर, आईएसडी कॉल बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी आता हूँ। क्या हुआ, मिल गया क्या? मिलने की बात करता है, ये लोग मेरे सामने खड़े हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कोमल का मामा बोल रहा हूँ। अंकल एक्चुअली हुआ ये। रिलेशन मत छोड़। रिलेशन क्या है जी, मैंने तो बस आपकी बेटी की फोटो। फोटो नहीं, पासपोर्ट मांगा। क्या पासपोर्ट, वो लेकर मैं क्या करूँगा? वही जानने के लिए तो फोन किया तुझे। पहले उस गधे को फोन दीजिए। गधा मैं नहीं सर, ये है
फोन स्पीकर पे है, तू बोल, गधे सुन रहे हैं। क्यों रे, मैंने क्या मांगा था? अरे बुज्जी, हम लोग पकड़े गए इसलिए ड्रामा कर रहा है ना। मैंने तो पासपोर्ट मंगाया था। फौरन जाने का प्लान कोमल के साथ तूने ही बनाया था ना। क्या बके जा रहा है यार तू, मैंने कब बोला यार। आई थिंक ही इज बिजी। Why don't we do this another day? Sir, no. He will be right back in 5 minutes, sir. Please. No, it's okay. We will just settle up maybe tomorrow in my office. Sir, I'm so sorry about this. Not a problem at all. See you Thank tomorrow. Thank you, sir. Okay? Thank you. ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो एक बार सुन लीजिए। Hey. एक सेकंड। Is there a problem? Life-ending problem. ISD call. Okay. तो investor जा चुके हैं। Meeting का time 2 दिन बाद बताएंगे। Okay. Okay? मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाना होगा। ठीक है, ठीक है। हेलो, मैं खुद आपकी बेटी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे क्या? पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली की गली गली में ढूंढ रहे हैं उसे। अरे वो आपको दिल्ली में कहाँ मिलेगी, वो तो हैदराबाद में। क्या? हैदराबाद में हो? हाँ, मैं और आपकी बेटी एक साथ हैदराबाद में ही है। जो करना चाहते हैं यहाँ आकर कर लीजिए। आखिरकार तूने सच्चाई बता ही दी। सच्चाई वो क्या है? मतलब मेरी भांजी तेरे साथ ही है। साथ मतलब वो वाला साथ नहीं। हेलो, ये कौन है यार पागल आदमी, कहीं भी कुछ भी जोड़ रहा है, तो मरवाएगा मुझे।